ब्रह्मांड का संचालन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक शक्ति के द्वारा होता है। मंदिर में इस शक्ति को देवी कह लीजिए या ससुराल में बहू या मायके में बेटी, ये सारी शक्तियां एक शक्ति में जाकर विलीन हो जाती हैं, जिसे हम मां कहते हैं। ये शब्द तो कहने के लिए एक है, लेकिन इसके रूप अनेक हैं। ये हैं मां पूर्णा माता। भक्तों की भीड़ एवं उनकी आस्था देखकर आपको खुद ब खुद मां की महिमा का अंदाजा तो लग ही गया होगा। मां के इन्हीं भक्तों में शुमार है एक भक्त परिवार, नरेंद्र जायसवाल एवं उनकी पत्नी जानकी देवी। इस बार माता से क्या मन्नत मांगने वाली हैं आप? अरे क्या नहीं दिया माता जी ने, सब कुछ तो दिया है। अन्न, धन, इज्जत, बेटा, पोता, अब कुछ ही दिनों में पोते की बहू भी आ जाएगी। बस चिंता तो सिर्फ एक ही बात की है कि माता जी पर सोने का छत्तर चढ़ जाए तो मेरे मन को शांति मिल जाएगी। भाई उसके लिए तो तुम्हारे सुपुत्र श्री को आना पड़ेगा। जय पूर्णागिरी माँ। आलोक बाबू इस बार भी नहीं आए? जी नहीं, आजकल उनकी व्यस्तता कुछ ज्यादा बढ़ गई है। ये लीजिए। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शुमा स्वाधात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते। ओम या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संचिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। अरे लक्खा जी भी आ गए। मैं आपको कहने ही वाला था कि आज रात को लक्खा जी का बहुत ही भव्य जागरण है और आप रात को जरूर आइएगा। अहो भाग्य। लक्खा जी के जागरण में हम अवश्य आएंगे, ये तो हमारी खुशकिस्मती होगी। जय माता दी। तुमने कृपा करी जो भी शरण में आया तेरी, जो भी शरण में आया तेरी, हाँ जो भी शरण में आया तेरी, उसकी माँ तूने झोली भरी। जय हो पूर्णा माई, 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 जय हो पूर्णा माई। तेरी महिमा बड़ी पूर्णागिरी माँ, पूर्णागिरी, पूर्णागिरी माँ, पूर्णागिरी,
भक्तों पे तुमने कृपा करी। जय हो पूर्णा माई, जय हो पूर्णा माई, जय हो पूर्णा माई, जय हो पूर्णा माई। रक्षा तू हर घड़ी पूर्णागिरी माँ पूर्णागिरी पूर्णागिरी मैया पूर्णागिरी भक्तों पे तुमने कृपा करी। जय हो पूर्णा माई, जय हो पूर्णा माई। भेट ले चूंदड़ी पूर्णागिरी माँ पूर्णागिरी पूर्णागिरी माँ पूर्णागिरी भक्तों पे तुमने कृपा करी। जय हो पूर्णा माई, जय हो पूर्णा माई। हेलो बेटा, अभी तक सो रहे हो? नहीं पापा, वो रात को देर हो गई थी, बस आपसे बात करते ही जाग गया। नमस्ते। इस बार मेले में नहीं आए तुम? नहीं पापा, एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग आ गई थी इसके लिए। बेटा काम काज तो जिंदगी में चलते ही रहते हैं, इसी में टाइम निकाल के आ जाओ। जी पापा। मुझे फोन दीजिए, मुझे भी बहू से बात करनी है। बेटा आपकी माँ अपनी बहू से बात करना चाहती है। ओके पापा, एक मिनट। जानू, जानू उठो ना, उठो ना जानू। ओहो जानू, सोने दो ना। अरे माँ आपसे बात करना चाहती है। चैन से सोने भी नहीं देते। जानू उठो ना प्लीज। टाइम मिलेगा तो बात कर लूंगी ना। जानू प्लीज। ओहो बेटा, बहू अभी तक सो रही है? आपकी माताजी तो नहा धोकर पूजा पाठ करके मुझे नाश्ता भी करा चुकी हैं। पापा, माँ को पूजा पाठ के अलावा और कोई काम भी तो नहीं है ना? मैं शीला की माँ से बाद में बात करा दूंगा। और पापा, आप हमेशा शीला को माँ से कंपेयर क्यों करते हैं? क्योंकि माताजी के बाद पूरे घर की जिम्मेदारी उन्हीं की तो है, और घर के बुजुर्गों से तुलना नहीं की जाती, उनसे कुछ सीखा जाता है बेटा। ओके ओके पापा। अच्छा अमन कहाँ है? अमन? अरे बेटा अमन तो अब तक ऑफिस भी पहुंच गया होगा। हाँ
मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग सर. मॉर्निंग. चाचा आप तो गांव जाने वाले थे ना, क्या हुआ गए नहीं? नहीं बेटा, गांव में पैसा भेज दिया हूँ, वहां का काम तो हो जाएगा, यहाँ का काम भी तो जरूरी है ना. अरे चाचा, जिंदगी बीत जाती है लेकिन काम कभी खत्म नहीं होता, काम तो चलते रहेगा. आप जाइए और गांव से घूम के आइए. ठीक है? ठीक है बेटा. मोहन, मनीष के साथ अंदर आओ. मैंने आप दोनों को इसलिए बुलाया है कि दादाजी का आदेश हुआ है कि इस दिवाली सबको 2 महीने की तनख्वाह बोनस में दी जाए. सर 2 महीने का कहीं ज्यादा तो नहीं हो जाएगा? वैसे तो वो लोग अगले साल 4 महीने का डिमांड करने लगेंगे. यहाँ पे काम करने वाले सारे लोग एक परिवार के जैसे हैं, और ये आमदनी ये भी तो इन्हीं की बदौलत है ना, तो इन्हें देने में क्या तकलीफ भाई, जो इसके हकदार हैं उनको ही तो दे रहे हैं ना. वैसे ये दादाजी का आदेश है, इसका पालन किया जाए. यस सर. अब आप दोनों जा सकते हैं, अपने काम पे ध्यान दीजिए. यस सर. सजना सजूंगी, प्यार करूंगी, सजना सजूंगी, प्यार करूंगी, सजना सजूंगी, प्यार करूंगी, जन्म जन्म तेरे संग में रहूंगी, जन्म जन्म रहूंगी, सजना सजूंगी, प्यार करूंगी, सजना सजूंगी, प्यार करूंगी. तुझे ना देखूं तो मुझे चैन ना आए, भीगी रातों में तेरी याद सताए. सजना है मेरा गहना, मेरे
सजना है मेरा गहना, मेरे ही दिल में तुम हरदम रहना। हम दोनों की प्रीत अमर है, देंगे गवाही धरती गगन है। सुख दुख तेरे सहूंगे, ओए 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 सजना सजूंगी, प्यार करूंगी, जन्म जन्म तेरे संग में रहूंगी। सजना सजूंगी, प्यार करूंगी, सजना सजूंगी, प्यार करूंगी। नहीं चलते हैं? हाँ अभी थोड़ी देर और आराम कर लो। नहीं नहीं फिर चलते हैं। आराम दे ना जी। ठीक है जैसा। विस्मा जी थोड़ी दूर और है। एक मिनट आप यहाँ बैठ जाइए। ठीक है माँ जी। अरे अरे उठिए भैया उठिए आराम से। चोट तो नहीं लगी? आप यहाँ बैठ जाइए बैठ जाइए। हाँ आराम से थोड़ा आराम कर लीजिए फिर जाइएगा। ठीक है ठीक है। जय माता दी। 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 कितनी अच्छी लड़की है। हाँ सच में बहुत ही संस्कारी है। प्रणाम पंडित जी। जय माता दी। लीजिए। माँ, माँ के बाद आपको ही माँ माना। हर सुख दुख हर खुशी सब कुछ आपसे ही बांटा। अब आपसे क्या छुपाना। मैं अमन को दिल से चाहती हूँ, उन्हें मेरा जीवन साथी बना दो। माँ अपनी इस गरीब बेटी का मान रखना, मान रखना माँ। ये लो बिटिया। चलती हो पंडित जी। प्रणाम। जय माता दी। खुश रहो खुश रहो। पंडित जी। जी आप इस लड़की को जानते हैं? अरे इसे कौन नहीं जानता, ये बगल के गांव के शर्मा जी की लड़की है। बड़ी ही नेक दिल संस्कारी और धार्मिक है। माँ पूर्णा के लिए हमें अपने पोते के लिए ऐसी संस्कारी लड़की चाहिए। हे देवी माँ अगर आपकी कृपा हो तो यही लड़की हमारे घर की शोभा बनकर आ जाए। कृपा कीजिए माता जी कृपा कीजिए। अरे इसकी क्या जरूरत है। अच्छा तो हम चलते हैं। नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। चलो आगे बेटा। जी पिताजी। आजकल की लड़कियाँ खुश रहो, आजकल की लड़कियाँ पढ़ाई लिखाई में ध्यान देती हैं, और तू घर से मंदिर और मंदिर से घर। कितनी बार कहा कि तू आजकल की भी पढ़ाई कर ले, लेकिन तू तो सुनती ही नहीं। अरे अरे राम भजो शर्मा जी। हाँ। अरे भाई ये क्या बके जा रहे हैं, जो मुँह में आ रहा है अनसन बके जा रहे हैं। तनिक भी नहीं सोचते कि क्या बोल रहे हैं। हा? लो बुआ जी भी टपक गई। अरे शर्मा जी मैं कैसे नहीं आऊंगी, मैं तो हर जगह रहती हूँ। पूरे गांव की बुआ हूँ ना, मेरी नजर सब पे रहती है।
कोई मुझसे छुप नहीं सकता, हाँ? इसीलिए मोहल्ले भर की मैं बुआ हूँ। आपको पता है बुआ जी, समय बदल गया है। आजकल लोग लड़कियों से ये नहीं पूछते हैं कि लड़की पूजा पाठ करती है कि नहीं। आपको पता है, आजकल लड़कियों से ये पूछते हैं कि कितनी पढ़ी लिखी है। ये लो, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? अरे कह दो कि बिटिया मैट्रिक पास है। हाँ भाई, और क्या बोलोगी, ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ? लो, अब भला ऐसा कहेंगे तो कोई शादी करेगा ही नहीं। अरे शर्मा जी, आज तक किसी की बिटिया कुवारी रही है? जो अपनी रानी बिटिया कुवारी रहेगी, देखना जहाँ जाएगी बहुत बड़े घर में जाएगी, हमारी बिटिया रानी। तो ठीक है, अब जहाँ शादी तय होगी अब आप ही चलिएगा। ये लो, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? हाँ हाँ, मैं तो जरूर जाऊंगी, और वो भी अपनी बिटिया रानी के लिए, क्यों नहीं जाऊंगी। बुआ जी, अब आपसे तो कोई जीतने वाला है ही नहीं। अब पता नहीं माता जी जाने किस घर में जाएगी ये। शर्मा जी, राम राम भजो, जब सब कुछ माता रानी पे छोड़ ही दिए हैं, तो फिर आप काहे के लिए चिंता कर रहे हैं? जो भी होगा सब कुछ अच्छा होगा, बिटिया जहाँ जाएगी बड़े घर में ही जाएगी, समझे ना? आपको अब सोचने की जरूरत नहीं है। हाँ? नमस्ते पापा। अमन, क्यों गांव में अपनी लाइफ स्पॉइल कर रहा है? दिल्ली आ जा बेटा, यहाँ इतना बड़ा बिजनेस है, कौन संभालेगा इसे? यहाँ पे भी तो बिजनेस है ना पापा, और मैं आ गया तो दादा दादी को कौन संभालेगा? अमन, तुम्हें पता है तुम्हारी मम्मी कितना याद करती है? दादी भी आपको बहुत याद करती है पापा, एक बार तो आइए। ओह जस्ट शट अप, करोड़ों का बिजनेस है यहाँ और मैं वहां चला हूं। जानते हो कितनी मुश्किल से एम्पायर खड़ा किया है मैंने? मेरे वहां आने का मतलब है करोड़ों के बिजनेस का लॉस। एंड आई कांट टॉलरेट ऑल दिस, जस्ट कीप द फोन डाउन एंड शट अप। सर ये शीला कंस्ट्रक्शंस की फाइल है, रख दीजिए। साहब जी नमस्ते। क्या बात है? साहब जी आपके मंदिर का पुजारी हूँ। तो साहब जी 2 महीने से मुझे तनख्वाह नहीं मिली है। जिसकी पूजा करते हो उससे तनख्वाह ले लो, जाओ चले जाओ। पूजा करते हैं। मिस्टर कुमार। यस सर। अंदर आइए अब। जी सर। सर आपने याद किया मुझे। मिस्टर कुमार, इस पंडित को किसने अंदर आने दिया? सर बहुत जिद कर रहा था तो। सॉरी सर। देखिए पंडित ऑफिस में आता है, सिर्फ अगरबत्ती जलाता है और महीने की 5,000 रुपए तनख्वाह लेता है, आगे से मना कर दीजिए उसे। ओके सर। सर सब वाइन्स के बिल्स हैं। वाइन्स के बिल? हाँ तो ठीक है ना, पेमेंट करवा दीजिए ना। और हाँ, मेरे लिए एक वोडका और मैम के लिए एक जिन ऑर्डर करवा दीजिए। ओके सर। होता है और इल्जाम हमारे प्यार पे। इसीलिए तो आया हूँ कि ना दिल बेचैन हो ना इल्जाम लगे,
अब तो बस आपके नाम के साथ मेरा नाम लगे। अब आप जवाब ही नहीं देंगी तो मैं दादी से क्या बोलूंगा? खामोशियां भी तो कुछ कहती हैं। खामोशियों की जुबां दोहरी होती है। कहीं मैं हाँ को ना और ना को हाँ समझ बैठा तो? हवाओं की खुशी पत्ते न समझे, लहरों का उन्माद किनारे न समझे, आंखें आंखों के इशारे न समझे, तो फिर एक दूसरे को चाहने का क्या फायदा? गुस्ताखी के लिए माफी चाहता हूँ। एक माफी में दूसरी गुस्ताखी। अब मैं जाऊं? अब जाइए, नहीं तो मेरे पिताजी आ जाएंगे। जय माता दी। जय माता दी। अरे आपने तो मेरे मन की बात कह दी। हाँ सच में मुझे भी वो लड़की बहुत पसंद है। लड़की तो अच्छी है लेकिन हमें एक बार अमन से पूछ लेना चाहिए। हाँ मुझे पता है आप मुझे बहुत प्यार करते हैं लेकिन क्या आपके दादा दादी मुझे बहू के रूप में स्वीकार करेंगे? ऐसा क्यों बोली हो नंदनी? तुम तो जानती हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। और वैसे ना मैं अपनी दादा दादी की जान हूँ। और जब वो लोग मुझे इतना चाहते हैं तो सोचो मेरी जान की जान को कितना चाहेंगे। माता रानी करे ऐसा ही हो। जय माता दी। जय माता दी। हेलो। अरे ये सब उसी का तो है। I'm back. Oh, Dolly. Hello, mom. Love you, daddy. कैसे हो आप लोग? I'm fine. अच्छा मीट आलोक अंकल एंड शीला आंटी। हेलो अंकल। हेलो आंटी। हेलो बेटा। हेलो। अच्छा मामा मैं बहुत थक गई हूँ। मैं फ्रेश होने जा रही हूँ। ओके बेटा ठीक है जाओ। आलोक ये मेरी बेटी है। अच्छी है खूबसूरत है। क्या सोचे तुम बताओ? मुझे तो डॉली की शादी अमन से करने में डबल प्रॉफिट नजर आ रहा है। एक वेल रेपुटेटेड फैमिली में रिश्ता, दूसरा बिजनेस में प्रॉफिट। देन तो करो बात। तुम करो बात। ठीक है मैं ही बात करता हूँ। यस ओके ठीक है ना? ऑफ कोर्स ठीक है। ओके प्रणाम दादाजी। प्रणाम दादी माँ। बैठो। ये लो। दादी माँ जरा जान पास करना। अमन बेटा। जी दादी। तुम शादी कर लो। शादी? हाँ हमने तुम्हारे लिए बहुत अच्छी लड़की देख रखी है। लड़की और आपने देख रखी है? हाँ क्यों तुमने भी देख रखी है क्या? नहीं नहीं दादाजी। अगर हो तो बता दो। हाँ नहीं दादाजी आप लोग तो है ही ना तो मुझे देखने की क्या जरूरत है? नहीं वाकई तुम्हें अगर कोई पसंद है तो बता दो। नहीं दादी आप लोग की पसंद ही मेरी पसंद है। अच्छा मैं चलता हूँ मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। क्या हुआ इसे अचानक इसका मुंह क्यों उतर गया? क्या हुआ आज आप उदास क्यों दिख रहे हैं? नहीं ऐसी कोई बात नहीं। कुछ बात तो है आज सुबह आपने मेरे व्हाट्सएप का जवाब भी नहीं दिया क्या हुआ?
वो थोड़ा नेट का प्रॉब्लम था। बस इतनी सी बात, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। अच्छा एक बात बताइए, आपने दादी जी से हमारे रिश्ते के बारे में बात की? हुई बात। फिर क्या बोली वो? नंदनी, उन्होंने मेरे लिए किसी और को पसंद कर लिया है। फिर आपने क्या बोला उन्हें? मुझे कुछ बोलने का मौका ही नहीं मिला। वो इतना खुश होके बोल रही थी कि अगर मैं कुछ भी बोल देता तो उन्हें बहुत दुख होता। नंदनी, मैं अपने दादा दादी को दुखी नहीं देख सकता। फिर हमारे प्यार का क्या होगा? माँ पूर्णागिरी सब ठीक कर देंगी। मुझे मेरी माँ पर विश्वास है। प्रणाम। नमस्ते। आइए बैठिए। हाँ। बेटा आपके पिताजी कहाँ हैं? जी पिताजी कुछ काम से गए हैं, अभी थोड़ी देर में आते होंगे। हमें उनसे मिलना है। जी आप लोग बैठिए, मैं अभी आती हूँ। ठीक है। देखा कितनी संस्कारी लड़की है। हाँ। खूबसूरत है, घर का सारा काम भी करती है। अमन के लिए इतनी अच्छी लड़की मिल ही नहीं सकती। बिल्कुल। हाँ सुनो, देख के तो लगता है काफी संस्कारी लोग हैं। जी लीजिए। बेटी तुम्हारी माँ कहाँ है? जी मेरी माँ का मेरे बचपन में ही स्वर्गवास हो गया था। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ ना। जी। अच्छा बेटा अब हम लोग चलते हैं। तुम्हारे पिताजी आए तो उनसे कह देना नरेंद्र जायसवाल जी उनसे मिलना चाहते हैं। जी ठीक है। प्रणाम। सुखी रहो। अरे बाबूजी काम हो गया। बाबूजी का बेटा पानी पिलाओ जा। हाँ बाबूजी कोई नरेंद्र जायसवाल जी आए थे आपसे मिलने के लिए। क्या? हाँ नरेंद्र जायसवाल जी मुझसे मिलना चाहते हैं? जी अभी अभी तो गए हैं। मेरे घर आए थे। हाँ हाँ आप इतना खुश क्यों हो रहे हैं? कौन है वो? अरे क्या हो बाबूजी आप इतना खुश? हाँ। कौन है वो? अरे बेटी तुम नहीं जानती हो, बहुत बड़े आदमी है वो, धर्मात्मा है वो। ये तो मेरा सौभाग्य है कि वो खुद चलकर मेरे दरवाजे आए। बेटा अरे बाबूजी पानी तो पी लीजिए। अरे पानी बाद में पी लेंगे। अरे शर्मा जी नमस्कार। हाँ उस साहब गए थे मिलने के लिए जी। और हम उस समय घर पे नहीं थे, वहीं मिलने के लिए आया हूँ। आइए मैं मिलवाता हूँ। आइए आइए शर्मा जी आइए आइए। क्या देख रहे हैं? अरे आइए ना, आइए 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 आइए, बैठिए ना, बैठिए बैठिए। आप बैठिए, मैं मालिक को बुला कर लाता हूँ। जी नमस्ते। बैठिए। नमस्ते बैठिए। आप खड़ी हैं और मैं कैसे बैठ सकता हूँ? आप तो हमारे पूजनीय हैं, आपके बैठे बिना हम कैसे बैठ सकते हैं? बैठिए।
शर्मा जी। जी आप हमारे खानदान पे एक एहसान कर दीजिए। जिस खानदान का पूरे गांव पे एहसान है, मैं भला गरीब आदमी क्या एहसान कर सकता हूँ। शर्मा जी, आपके घर में आपने जो कोहिनूर हीरा छुपा के रखा है ना, उसे हमें दे दीजिए। शर्मा जी, आपकी बेटी को हम अपने पोते के लिए मांग रहे हैं। क्या हुआ शर्मा जी, आप कुछ बोल नहीं रहे, चुप क्यों हैं? मैं क्या बोलूं? जिसकी मुरादें बिना मांगे ही पूरी हो रही हैं, मुझे तो अपनी बेटी की किस्मत पे यकीन ही नहीं हो रहा है। मैं अगर अपनी खाल के जूते भी बनाकर आप लोगों को पहनाऊं तो भी कम होंगे। ऐसी बातें नहीं बोलते। मैं धन्य हो गया, मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे ये सूचना अपनी बेटी को सुनानी है। नमस्ते। 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 बहुत अच्छे इंसान है। हाँ सच में। नंदिनी, नंदिनी, नंदिनी बेटा। जी बाबूजी, क्या हुआ? बेटा, तुम्हारी प्रार्थना सफल हो गई, माता ने सुन ली, चमत्कार हो गया बेटा। अरे लेकिन हुआ क्या? अरे पगली, नरेंद्र जायसवाल जी तुम्हें अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। तेरी किस्मत जग गई बेटा। क्या हुआ बेटा, तुम्हारा खिला हुआ चेहरा मुरझा क्यों गया? ये सब बातें सुनने के बाद तुम्हें खुशी नहीं हुई? ऐसी बात नहीं है पिताजी। नहीं नंदिनी, कुछ तो है। क्या बात है, क्या बात है? पिताजी, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। नंदिनी, अपनी किस्मत को अपने ही पैरों से ठोकर मत मार। अरे अरे नंदिनी, अरे बिटिया, ऐसे किसे ठोकर मार देगी? मैं आ गई हूँ ना इसकी बुआ, अभी फैसला कर दूंगी। अच्छा हुआ, अच्छा हुआ आप आ गई, समझाइए इसे, समझाइए। हाँ मैं समझाती हूँ। बिटिया, तुम्हें अपने पिताजी का प्रस्ताव मानना चाहिए और यकीन करना चाहिए। लेकिन बुआ, मैंने अपनी माँ पूर्णा देवी के सामने वचन लिया है। अरे तो वचन तोड़ दो और समझ लो कि मैं ही माँ हूँ। मैं अपनी माँ की नजर में झूठी हो जाऊंगी। बिटिया, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो भी माँ है। जब तुम माँ का मान रखोगी तो अपने पिता के भी भरोसे का ख्याल रखोगी ना? और अभी कौन से तुम्हारी शादी होने जा रही है? अरे अभी इन सब बातों के लिए बहुत वक्त है, अभी बातचीत होगी, बात व्यवहार होगा, लोग तुम्हें देखने आएंगे। हाँ बिटिया, तुम तो अभी से घबरा रही हो नंदिनी। सब माता रानी की कृपा है, ये सब उन्हीं की करामात है बेटी, माता पर भरोसा करो, समझी? शर्मा जी, अब चिंता करने की कोई बात नहीं है, जब तक ये बुआ जिंदा है ना, तब तक आपका कोई भी काम बिगड़ने नहीं दूंगी। अच्छा समझाइए इसे। बिटिया, बाद में आना। यस मैम। क्या हुआ, आप उदास हैं?
अपने पिताजी को ना नहीं कर पाए। उन्होंने मेरी शादी तय कर दी है। आपका विश्वास तो मैंने तोड़ा ही, और साथ ही साथ अपनी माँ की नजरों में झूठी पड़ गई। कहाँ हो रही है शादी? कोई बहुत बड़े लोग हैं, उन्होंने मुझे पसंद कर लिया है। और कौन है वो लड़का? कोई नरेंद्र जायसवाल जी हैं, उन्हीं के पोते के साथ। हाँ, बहुत ही बढ़िया परिवार है, वो लड़का तुम्हें बहुत खुश रखेगा। मैं भी जानता हूँ इस परिवार को। ये आप कह रहे हैं कि मैं खुश रहूंगी? हाँ नंदिनी। क्योंकि वो लड़का मैं ही हूँ और नरेंद्र जायसवाल जी मेरे दादाजी हैं। आप सच कह रहे हैं? हाँ नंदिनी। लेडीज एंड जेंटलमैन, योर अटेंशन प्लीज। वी आर ग्लैड टू इन्फॉर्म यू ऑल दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू वेंचर, ए न्यू कंस्ट्रक्शन कंपनी इन द नेम ऑफ डॉली एंड अमन कंस्ट्रक्शन कंपनी। 3 चीयर्स फॉर द कंपनी। और इस कंस्ट्रक्शन कंपनी की बुनियाद मेरी बेटी डॉली और मिस्टर आलोक के बेटे अमन की शादी के साथ रखी गई है, इसलिए आप सब दुआएं दीजिए और इस कंपनी के लिए भी दुआ कीजिए। थैंक यू। आज भाभी जी होती तो कितना अच्छा होता। ओ यस, बट एक जरूरी काम से उन्हें दुबई जाना पड़ा एक मीटिंग के लिए। लीजिए। थैंक यू। एंजॉय द पार्टी लेडीज एंड जेंटलमैन, एंजॉय। सरप्राइज। क्या सरप्राइज है? अगेन वन स्टेप अहेड। अब देखना, हर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग पे हमारी ही कंपनी का नाम होगा। वाओ। डॉली एंड अमन कंस्ट्रक्शन कंपनी। एंड ऑल क्रेडिट गोज टू यू डार्लिंग। थैंक यू। एक मिनट। हेलो बेटा, कैसे हो? हाँ पापा, मैं ठीक हूँ। तुम्हारी माँ ने अमन की शादी पक्की कर दी है। क्या, ऐसा कैसे कर सकते हैं आप? What happened? अरे उन्होंने अमन की शादी फिक्स कर दी। What rubbish? एक मिनट फोन दो। हेलो बेटा, हमारा और मालिक आप लोग बन बैठे। बहू, लड़की गरीब है लेकिन बहुत ही संस्कारी और खूबसूरत है। संस्कारी है तो क्या उसके संस्कारों की माला पहनूं? अरे क्या है उसके पास? ना अच्छा स्टेटस, ना अच्छी सोसाइटी और ना ही पैसा। क्या मिलेगा? बहू, पैसा ही सब कुछ नहीं होता। ऑफ कोर्स पैसा होता है, आप लोगों को क्या मालूम? अनपढ़ और गवारों के बीच में रहने वालों को ऊंची सोसाइटी और ऊंचे स्टेटस के बारे में कुछ नहीं मालूम। बहू, अमन पर हमारा भी उतना ही हक है। इसीलिए आप उसकी जिंदगी बर्बाद कर रही हैं और हम यहाँ बैठे चुपचाप तमाशा देख रहे हैं। एक बात कान खोलकर सुन लीजिए माँ जी, ये आपके बेटे चुपचाप देख सकते हैं लेकिन मैं चुप नहीं रहूंगी। और हाँ, ये रोज रोज का इमोशनल ड्रामा और सेंटिमेंटल डायलॉग्स बंद करिए। बेहतर है कि जहाँ है वहाँ शांति से रहिए और हमें भी शांति से रहने दीजिए। बहू, सच में हमसे गलती हो गई, हमें माफ करना, अब शांत हो जाओ। माफी माय फुट। अमन की शादी ऐसे कैसे फिक्स कर सकते हैं वो लोग? आप तो सब कुछ जानती हैं ना माँ, जिनकी खुशियों की कामना करती रही, आज मैं उनके लिए दुश्मन बन गई। उन्हें माँ की ममता नाटक लगने लगी। ऐसा क्या हो गया माँ? ऐसा मैंने क्या किया? ऐसा क्या हो गया माँ? ऐसा क्या हो गया? इसमें गलती हमारी ही थी ना? अमन उन्हीं का बेटा है ना?
हमें उनसे पूछना चाहिए था। किसी के ऊपर अपनी भावनाओं को जबरदस्ती थोपना तो ठीक नहीं है ना। इस बात को सोचने में हमने बहुत देर कर दी। अब समय बहुत बदल गया है मधु। तुम रो मत, सब ठीक हो जाएगा। धीरज रखो मधु, माँ सब ठीक करेंगी। जय माता दी। अपने हिस्से की नेकियां वक्त के रहते कर ले, अपने हिस्से की नेकियां वक्त के रहते कर ले। वक्त कहीं ये रूठ न जाए, वक्त कहीं ये रूठ न जाए, कुछ तो वक्त से कर ले। रहते कर ले, अरे अपने हिस्से किने किया वक्त के रहते कर ले। Thank you.
साक्षी मानकर मैंने अमन को अपना जीवन साथी चुना, फिर भी अमन मुझसे दूर चला गया। क्यों माँ, हमेशा आपकी बेटी के साथ ऐसा क्यों होता है? क्या कमी है मुझ में? सारी खुशियाँ हमेशा मेरी चौखट से क्यों जाती है माँ? क्यों बताओ माँ, बताओ। नहीं बिटिया, सब दोष इन्हीं का है, नहीं तो वो यहाँ से जाता ही क्यों? पर तुम चिंता मत करो, तुम्हारी बुआ अभी जिंदा है। मैं दिल्ली तक जाऊंगी और उसे ढूंढ कर लाऊंगी। वो कहाँ जाएगा तुम्हें छोड़कर? तुम बिल्कुल चिंता मत करो। जय माता दी। आओ अमन, कहाँ तुम गांव में पड़े थे? अरे शहर की बात ही कुछ और होती है। आओ, मॉर्निंग। आओ अमन, देखो कितना बड़ा ऑफिस है तुम्हारा, कितने कैबिन हैं यहाँ। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। ये देखो कितने लोग काम कर रहे हैं यहाँ। आओ मेरे कैबिन में। देखा अपने बाप का रुतबा और शोहरत, इस शहर के बड़े बड़े बिजनेसमैन आलोक जायसवाल को सैल्यूट मारते हैं। ये देखो, ये है शीला हाइट्स, 56 करोड़ का प्रोजेक्ट है ये, और वो है शीला टावर, ऑलमोस्ट कंप्लीट है, 66 करोड़। और ये है शीला कंस्ट्रक्शंस, ऑलमोस्ट हाफ वे, 86 करोड़ का प्रोजेक्ट है ये, समझे? पर इसमें तो दादी के नाम की कोई भी बिल्डिंग नहीं है पापा। ओहो अमन, तुम समझते क्यों नहीं हो? अरे ये सब कुछ तुम्हारा है, सिर्फ तुम्हारा, और तुम ये सब छोड़ के वहां गांव में बैठे थे। वहां गांव में क्या है? ये शहर है, ये नाम है, शोहरत है, डेवलपमेंट है। आओ यहां बैठो, ये कुर्सी तुम्हारी है, सिर्फ तुम्हारी। आओ बेटा बैठो, शाबाश, बैठो बेटा। मालूम है आज तुम्हारे यहां आ जाने से तुम्हारी मां कितनी खुश है। मिसेस श्याम, हेलो, गुड मॉर्निंग। हाय शीला, कैसी हो? आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम फाइन। और बताओ क्या हो रहा है? यू डोंट नो मिसेस श्याम, I'm so happy today because Aman is back. Wow, Aman आ गया? That's great. कब आया Aman? चलो अच्छा वो आ गया यहाँ पे। Aman आ गया? मुझे भी बात करनी है मामा। Hello आंटी। मैं डॉली। Aman कहाँ है? Aman अपने पापा के साथ ऑफिस गया है। Oh आंटी, why you send him office today? Please auntie, I want to meet him right now. Don't be excited बेटा। और वैसे भी अमन यही रहने वाला है, कल अपने मम्मी पापा के साथ आ जाना। ओके आंटी, बाय बाय। बाय, टेक केयर, बाय। वो पेंटिंग किसने उतारी? बोल बोल, किसने उतारी ये पेंटिंग? हाँ जी मैडम, मैंने उतारी। क्यों और किसके कहने पर? मेरे कहने पर बहू, मैंने ही इसे कहा था पेंटिंग उतारने को, और इसमें इतना चिल्लाने की क्या बात है? इतनी कॉस्टली पेंटिंग उतरवा के आपने ये मामूली सी फोटो लगा दी? आपको पता भी है मैंने कहाँ से मंगाई थी? यूके से मंगाई थी, यूके से। कितने एक्सपेंसेस लगे हैं मेरे इसमें? बहू ये फोटो अनमोल है, आज हम जो कुछ भी हैं, माँ पूर्णागिरी के आशीर्वाद से ही हैं। आप होंगे, हम नहीं। और वैसे भी ये पूजा आरती करने से पैसे नहीं आते, माइंड यूज करना पड़ता है, माइंड।
ये फोटो नहीं थी तो क्या हमारा कोई स्टेटस नहीं था, पैसा नहीं था? हाँ, पता नहीं कब इन सब चीजों से बाहर निकलेंगे आप। माय गॉड, तंग आ गई हूँ मैं। बेटा इधर आओ, यहाँ आओ। जी जी दादाजी, उसे दंड भी देती हैं? हाँ बेटा, दंड भी देती हैं। दादाजी, आपने किसी को माताजी को दंड देते हुए देखा है क्या? हाँ, बहुत पुरानी बात है। एर गांव में कांकर नदी अपने पूरे उफान पर थी। नदी की धारा पूरे गांव को तबाह कर रही थी। नदी की धारा प्रचंड वेग से गांव की तरफ बह रही थी। लोगों के घर बह रहे थे, लोग बह रहे थे, जानवर बह रहे थे। चारों तरफ चीख पुकार मचा हुआ था। कई औरतें, कई बच्चे, कई मर्द, हर तरफ भयावह माहौल था। माँ ने उनकी पुकार सुन ली और अगले ही दिन नदी की तेज बहती धारा गांव से दूर चली गई। लेकिन एर गांव वालों ने जो 100 गायों को दान करने का संकल्प लिया था उसे वो भूल गए। अच्छा। और कुछ दिन के बाद जब गांव वाले मंदिर में पूजा करने के लिए दोबारा गए तो मूर्तियां हिलने लगी, मंदिर कांपने लगा, चारों तरफ आग ही आग फैली हुई थी। गांव वाले माता जी के पास गए। गांव वाले सब बर्बाद हो रहे हैं माते, रक्षा करो माते, रक्षा करो माते, रक्षा करो माते, रक्षा करो माते। गांव वालों ने पूजा करने की बहुत कोशिश की लेकिन कर ना पाए। और तभी आकाशवाणी हुई, ऐ गांव वासियों, तुम लोगों ने हमारे मंदिर में आकर मिथ्या वचन दिया, अब तुम्हारी पूजा मेरे मंदिर में भी स्वीकार नहीं होगी। अरे बाप रे बाप, जय हो माँ पूर्णागिरी, जय। अच्छा दादाजी, मंगल हो। गुड मॉर्निंग। आ गए बेटा? जी दादाजी। हाँ बेटा। आपने खाना खाया दादाजी? हाँ मैंने खाना खाया, नौकरों ने खिला दिया। आलोक कहाँ है? वो किसी काम से बाहर गए हैं, उन्हें आने में देर होगी। बेटा इन्हें भी समझाओ, इस तरीके से जानवरों की जिंदगी जीना भी कोई जीना है? हम लोगों ने सादगी से क्या पैसे नहीं कमाए? बेटा थोड़ा धर्म कर्म भी करना चाहिए। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा दादाजी। हाँ, माँ पूर्णागिरी इन्हें सद्बुद्धि दे। जाओ बेटा, अब तुम भी जाकर खाना खा के सो जाओ। जी दादाजी। दादाजी मुझे यहाँ का माहौल कुछ जम नहीं रहा है। देखो बेटा, चिंता करने से कोई लाभ नहीं होगा, माँ पूर्णागिरी सब ठीक करेंगी, भरोसा रखो। Oh. Hey. You are Aman? जी। Right? Oh. आप? मैं तुम्हारे बारे में सब जानती हूँ और तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानते। Myself Dolly. Dolly? Yeah. I was so excited to meet you. Oh, Aman. ये मेरे दादाजी हैं। Oh, दादाजी. How are you? क्या कर रही हो तुम? बड़ों का चरण स्पर्श किया जाता है। चरण स्पर्श? What चरण स्पर्श? डॉली, हाँ? पैर छू लो। हाँ?
ये आपकी बड़ी बहन है क्या? No, she's my daughter. Hi, Mona. Hi, Sheila. Hello. How are you? कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ. आप कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ. I'm good. Oh my God. नमस्ते. Dolly. Hi, auntie. Hi. You look very pretty. Thank you, auntie. अमन, ये Dolly. और इसके पापा की बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी है ना? और उस कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक हैं मिस्टर श्यामलाल, मतलब डॉली के पापा. और आप हैं मिसेस श्यामलाल, मतलब हाय नमस्ते डॉली की मम्मी. श्यामलाल जी मेरे पिताजी. नमस्ते अंकल. नमस्ते. यू नो अमन, जैसे मुझे पता चला मेरी तुमसे शादी होने वाली है, मैंने अपने पहले बॉयफ्रेंड से कट ही कर ली. Yes, but you know, I did not like villager look. It's so funny, na? You are absolutely right, beta. मेरे friends देखेंगे तो क्या बोलेंगे? I'm getting married with villager. Please tell him, uncle. अरे हमसे क्या पूछना? Now he is your property. Go ahead. चलो अमन. मम्मा. बेटा मैं जानता भी नहीं इसे, मैं कहाँ जाऊँ? ओफो, she is very pretty and you are handsome. Come on अमन, चलो ना. जाओ बेटा, जाओ. Please. अरे कहाँ ले जा रही हूँ मुझे तुम? You are very shy. श्यामलाल, बैठो. जी. यार, तुम्हारे पिताजी का कुछ रिएक्शन मुझे ठीक नहीं लगा. या एक्चुअली ये ठीक कह रहे हैं. मैंने भी नोटिस किया. आप उनके बारे में मत सोचे. एक्चुअली अमन इज माय सन, आवर सन, दैट्स इट. इसमें किसको शक है? लेकिन डॉली आप ही की बेटी है ना दोनों की? ओह यस. चलो ना अमन, कम ऑन, मीट माय फ्रेंड्स टिया, रोहन, राज. टिया, ही इज माय बॉयफ्रेंड अमन. हाय अमन. अरे मेरे फ्रेंड्स को हाय तो बोलो. अमन, यू आर सो क्यूट यार. अमन, ट्राई अ बिट. छोड़ो मुझे. थोड़ा सा ले लो. ये क्या है डॉली? ये लाइफ स्टाइल है तुम्हारी? ऐसे दोस्त है तुम्हारे? ऐसी पार्टी, शराब, सिगरेट, मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है, समझी? यार हटो यहाँ से. डॉली, ये बॉयफ्रेंड है तुम्हारा? कहाँ से पकड़ लाई उस विलेजर को? अमन, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं. अभी आंटी को फोन लगाती हूँ. हेलो डॉली. बेटा, अमन इज मैड और व्हाट? व्हाट हैपेंड बेटा? मेरे फ्रेंड्स के सामने मेरी इंसल्ट करा दी और वहाँ से चला गया. व्हाट? चला गया? यस आंटी. ऐसे कैसे चला गया? शीला, क्या हुआ? अमन डॉली को अकेला छोड़ के कहीं चला गया. छोड़ के चला गया? इस लड़के का क्या करूं मैं? अमन, क्या हुआ? कुछ नहीं पापा. कुछ नहीं? तो फिर डॉली को अकेला छोड़ के क्यों आ गए? वो सब मुझे पसंद नहीं है माँ. तो फिर क्या पसंद है? वही गांव गांव के गवार लोग? ओहो, कम ऑन शीला, कूल योरसेल्फ. मैं उससे बात करूंगा. ओके, गो. अमन, जानते हो उस लड़की से तुम्हारी शादी होने वाली है? करोड़ों की प्रॉपर्टी की मालकिन है वो. जानते हो कितनी प्रॉपर्टी है उसके पास? और उससे शादी के बाद तुम्हारा स्टेटस क्या होने वाला है? मोर ओवर, शी इज ए मॉडर्न गर्ल. नाउ गो एंड से सॉरी टू हर. गो. नहीं पापा. बट व्हाई? मुझे ना तो उसके करोड़ों की प्रॉपर्टी से कोई मतलब है और ना ही ये हाई फाई स्टेटस चाहिए और ना ही वो लड़की मुझे पसंद है माँ. मुझे माफ करेगा पापा, वो लड़की मुझे पसंद नहीं है. सुन रहे हो तुम क्या कह रहे हैं ये? वो सच कह रहा है बहू. ऐसे संस्कार विहीन परिवार में मेरे पोते की शादी कभी नहीं हो सकती.
पिताजी क्या कह रहे हैं आप? अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है। मैं अपने उसूलों के साथ कभी भी समझौता नहीं कर सकता। तुम्हें कितना पैसा चाहिए मैं दूंगा, लेकिन अमन की शादी उसी लड़की से होगी जिसे उसकी दादी ने पसंद किया था। पिताजी, मैंने उन्हें जबान दी है। तेरी माँ ने भी जबान दी थी, लेकिन वो तो मर गई ना। मर गई? आप लोगों के लिए मर गई, हमारे लिए तो हमेशा जिंदा रहेगी। माँ पूर्णा देवी के सामने उस लड़की को वचन दिया था, और मैं इस वचन को किसी भी हालत में नहीं तोड़ूंगा। आखिर उस लड़की में है क्या? लागुना अच्छी है उस लड़की से जिसे तुम लोगों ने पसंद किया है। अब तो मैंने फैसला कर लिया है कि वही लड़की मेरी बहू बनेगी। और अगर नहीं आई तो? नहीं आई तो अन्न जल त्याग के मैं इसी चौखट पे मर जाऊंगा। लेकिन इस परिवार पे दोबारा दाग नहीं आने दूंगा, ये मेरा अंतिम फैसला है। दाग? अरे शीला, तुम खानदान क्या? खानदान पे दाग? सुना तुमने, मैं तुम्हारे खानदान पे दाग हूँ। ये एम्पायर तुम्हारे अकेले की मेहनत नहीं, बल्कि इसमें मेरा भी कंट्रीब्यूशन है। फिर भी मुझे उस बुड्ढे की बकबक सुननी पड़ी। डार्लिंग, वो मेरे पिताजी हैं। सो व्हाट? तुम्हारे हैं, तुम सुनो, मैं क्यों उनकी बकबक सुनूं? एक तो मेरे इकलौते बेटे को गांव में ले जाकर उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी, और बची खुची उसकी शादी करके बर्बाद कर देना चाहते हैं। अरे सोसाइटी को क्या जवाब दूंगी मैं? किसने किसको जबान दी, क्यों दी, किसके सामने दी, आई डिडंट केयर अबाउट इट। लिसन, अमन की शादी सिर्फ और सिर्फ डॉली से होगी, दैट्स इट। नहीं माँ, उस लड़की से मैं भी प्यार करता हूँ, और डॉली से शादी करने से बेशक आप लोगों को अपने बिजनेस में बहुत फायदा होगा, लेकिन मैं कभी खुश नहीं रह पाऊंगा। देख लिया उसे गांव में भेजने का नतीजा? उसे हमारी इमोशंस की भी परवाह नहीं है, बदतमीज। मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। आपकी सारी बातें मानने को तैयार हूं। अमन की शादी उसी लड़की से होगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। उस लड़की को यहां आना होगा, अपना पास भूलना होगा, और मैं अपने तरीके से उसे प्रेजेंट करूंगा। अगर वो ये सारी शर्तें मानने को तैयार है तो बुलाइए दिल्ली। हाँ, मुझे मालूम था बेटा, बहू मेरी बातों को समझे या ना समझे, लेकिन तुम मेरे बेटे हो ना, तुम मेरी बातों को जरूर समझोगे। साक्षात देवी है बेटा वो, उसके घर में कदम रखते ही तुम्हारे नाम में, यश में, कीर्ति में चार चांद लग जाएंगे बेटा, और तुम्हारी माताजी की आत्मा को भी शांति मिलेगी बेटा। अमन जी, दादाजी, नंदिनी को फोन लगाओ। जी दादाजी, मैं अभी लगाता हूँ। आई नो यू, मुझे अपने बाप के सामने नीचा दिखाया ना। नो डियर, आई डोंट थिंक सो। वाई वाई आलोक, वाई? तुम्हें मेरी प्रेस्टीज और मेरी प्रॉमिस का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रहा। आई नो,
You all are same bloody duffer. Mind your language, Sheila. कैसी बातें कर रहे हो तुम? मिस्टर आलोक, इतना ध्यान रखना कि इस एम्पायर में जितना तुम्हारा हिस्सा है ना, उतना ही मेरा भी हिस्सा है। अरे यार, ये मेरा तुम्हारा क्या? जो कुछ है वो सब हमारा है। हमारा है। जब अमन की शादी एक गांव वाली के साथ ही करनी थी तो मुझसे झूठा प्रॉमिस क्यों किया? क्यों बात को इतना आगे बढ़ाया? अरे अभी सिर्फ बात ही हुई है ना, शादी तो नहीं हुई ना? शादी तो नहीं हुई है ना? एक बात कान खोल कर सुन लो तुम, मिस्टर श्याम को फोन करके तुम मना करोगे, मैं नहीं। ओके डियर, मैं उससे बात कर लूंगा, अभी तो गुस्सा थूक दो। चलो स्माइल, कम ऑन। क्या हो रहा है? हेलो सर। हेलो सर। हेलो मैम। सर, प्लॉट तो बहुत अच्छा है और हम काम भी शुरू कर सकते हैं, पर ये मंदिर ये बीचों बीच है सर। सर, अगर ये मंदिर नहीं हटेगा तो इस प्लॉट का कोई फायदा नहीं है, हम कुछ नहीं कर पाएंगे सर। अगर इस मंदिर को हटाएंगे तो गांव वालों की भावनाएं भड़क सकती हैं। गांव वालों की भावनाओं को छोड़ो, उनके लिए मैं अपना कंस्ट्रक्शन तो नहीं रोकूंगी। सुनिए मैडम जी, ये जमीन इसी शर्त पे बेची गई थी, हमने कहा था ना ये मंदिर नहीं हटेगा। आप उससे कहना क्या चाहते हैं? करोड़ों रुपए खर्च किए मैंने इस जमीन में, हम तुम्हें क्या इडियट दिख रहे हैं? मंदिर बना के चढ़ावा नहीं चढ़ाना है। और तुम इस जगह का पूरा इंस्पेक्शन करके सीधे मेरे ऑफिस में आके मिलो, ठीक है? ओके मैडम, ऑफिस में मिलते हैं। जी जी। शीला, अगर मंदिर टूटा ना तो बहुत मुश्किल होगी। मुश्किल? माय फुट, मुझे इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। और हाँ, अगर मामला ज्यादा बढ़ा ना तो मैं पुलिस को खरीद लूंगी, दैट्स इट। अगर हम 3 सरफेस के साथ फ्लैट बनाते हैं, ओके, तो 32 फ्लैट्स हमें एक्स्ट्रा मिलेंगे मैडम। ओके। और वुड फेसिंग मिलेगी और पार्किंग एरिया के लिए पूरी जगह मिलेगी मैडम। और मंदिर और पेड़ के साथ लेते हैं तो इस प्लॉट को हमें 2 भागों में बांटना पड़ेगा और उसके लिए हमें पार्किंग प्लेस बिल्कुल नहीं मिलेगा मैडम। नो 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 नो, व्हाई सो लॉस फॉर द टेंपल? वी नीड क्लीन सरफेस, राइट? बट मैम, लैंडलॉर्ड की परमिशन की जरूरत पड़ेगी हमें। डोंट वरी, आई हैव ऑलरेडी टेकन द परमिशन फ्रॉम द लैंडलॉर्ड। मैम, अगर हम मंदिर को नुकसान पहुंचाते हैं या मंदिर को जाके तोड़ते हैं तो आम पब्लिक भड़क सकती है। उसकी तुम टेंशन मत लो, मैं म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से बात कर लूंगी और सब इंस्पेक्टर जयपाल को स्पॉट पे भेज दूंगी। तुम अपना काम जारी रखो। ओके मैम। एंड लिसन, विद इन अ डे क्लीन ऑल दैट थिंग्स, गॉट इट? ओके मैम। यू कैन गो राइट नाउ। नारायण नारायण, अनर्थ हो जाएगा माते, अनर्थ हो जाएगा। शांत हो जाइए माते, शांत हो जाइए। नारद, आप क्यों विचलित हैं? माते, उनकी अज्ञानता को विस्मृत करें माते, वो समस्त परिवार आपका अनन्य भक्त है। नारद, हमारे तो समस्त प्राणी भक्त हैं, परंतु कर्म फल से न आज तक कोई प्राणी बच पाया है न बच पाएगा, यही सत्य है। परंतु माते, हो सकता है उन्हें अपनी त्रुटियों का बोध ही न हो। मैं उन्हें बोध कराऊंगा माते, आज्ञा दीजिए माते। नारद, प्रयास करके देख लीजिए। जो आज्ञा माते। नारायण नारायण।
ये क्या कर रहे हैं श्रीमान? नहीं नहीं नहीं, मंदिर मत तोड़िए, घोर अनर्थ हो जाएगा श्रीमान। मंदिर नहीं तोड़िए, रोकिए कोई इन्हें। अरे मंदिर मत तोड़िए श्रीमान, घोर अनर्थ हो जाएगा। लेके जाइए, तोड़िए, हटाइए। नहीं हटाइए इसे यार, लेके जाइए, अनर्थ हो जाएगा। ले जाइए, मंदिर मत तोड़िए श्रीमान। नहीं सुनिए, अनर्थ हो जाएगा श्रीमान, रुक जाइए। छोड़ो, चलो। ये आप उचित नहीं कर रहे, मानो मैं तो मारूंगा डंडे से। ये क्या श्रीमान? माते, ये आपका भक्त कहां फंस गया? माते रक्षा करो, माते, माते। माताजी, आप सच कह रही थी। माते, जीते रहो पुत्र। देखा देवर्षि, इन मूर्खों को तो अपनी अज्ञानता का आभास ही नहीं हुआ। हाँ। परंतु आपकी स्थिति देखकर क्षोभ जरूर हुआ। ये कलयुग है, मानव अपनी भौतिक सुख सुविधाओं में इतना मदमस्त है कि धर्म इन्हें आडंबर और साधु राक्षस नजर आते हैं। परंतु माते, इन्हें उचित मार्ग पर लाने का धर्म भी तो हम साधुओं का ही है। देवर्षि, आपकी चिंता व्यर्थ नहीं है, परंतु कर्म फल से न कोई प्राणी आज तक बच पाया है, न बच पाएगा। आगे देखिए क्या क्या होता है। जो आज्ञा माते। ए सुनो, इधर आओ। मैडम ने तुम्हारी जमानत दे दी है। हा? समझ में आया? हा, हा। और दोबारा इसी गलती करेगा ना तो लाइफ टाइम के लिए अंदर जाएगा। आखिरी बार समझा रहा हूँ, और दोबारा इस एरिया के आसपास नजर भी मत आना। क्या बोल रहा हूँ मैं? जी 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 नहीं, जो आज्ञा मानो। दे रहा हूँ तुम्हें मैं। जी जी। चिंता मत कीजिए शर्मा जी, राम भजो। अरे बिटिया, रो क्यों रही हो? तुम्हारी जैसी किस्मत तो हर एक लड़की की होनी चाहिए। हाँ, गांव छोड़ करके अब शहर वाली बनने जा रही हो बिटिया। बस इतना याद रखना, अपने कर्तव्य पे अड़िग रहना, चाहे जितने भी मुश्किलें आए, लेकिन अपने धर्म का पालन अवश्य करना। जी बुआ जी। बिटिया, तुम तो जानती हो, जब बेटी अपने पिता के घर से विदा होती है तो डोली में जाती है, और जब ससुराल से विदा होती है तो अर्थी पर निकलती है। बिटिया, अब तुम यहाँ के सभी लोगों को भूल जाओ। अब जो कुछ भी है सब तुम्हारे ससुराल वाले हैं। जी बुआ जी। अब हम सब लोग पराए हो गए हैं तुम्हारे लिए। हाँ बिटिया, और यहाँ जो कुछ भी हो रहा है माँ पूर्णागिरी की कृपा से हो रहा है। ये सब उनकी ही तो कृपा है बेटी। बस माँ से एक ही विनती है कि वो तुम्हारी हर ख्वाहिश को पूरी करे। बस ये माँ पूर्णागिरी तो हमेशा अपने साथ रख, ये तुम्हारी रक्षा करेंगी। प्रणाम बुआजी। खुश रहो। अच्छा चलते हैं। प्रणाम। माते, कहाँ जा रहे हो?
बिकमंगे लोग, रुको, बड़े लोगों की शादी है यहाँ पे। वो विवाह, जाओ यहाँ से, निकलो यहाँ से, निकलो विवाह यहाँ से। नारद, बेटी को तो आशीर्वाद देना ही पड़ेगा। आपकी लीला भी अपरंपार है माते, समस्या भी स्वयं ही उत्पन्न करती हैं और उसका समाधान भी स्वयं ही दे देती हैं। अंत में भेज ही दिया ना पुत्री को। हाँ देवर्षि, सब लोग हमारे हैं, किंतु हमारी पुत्री को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। माते, जिसकी माता ही आदि शक्ति हो, उसकी सारी कठिनाइयां स्वयं ही सहज हो जाएंगी। देवर्षि, आपकी बातों में उलझी रही तो अपनी पुत्री को आशीर्वाद देने से वंचित रह जाऊंगी। हाँ हाँ माते, अब परंतु माते, हमें इस कार्यक्रम के अनुसार ही वस्त्र धारण करने होंगे, अन्यथा हम प्रवेश से वंचित रह जाएंगे। माते, सत्य कहा आपने नारद। माते, अब हमें कोई नहीं रोक पाएगा, आइए चलो। जहाँ सोचा वहाँ अपनी पुत्री का विवाह करवा दिया। जी माते, आप जैसा चाहेंगी वैसा ही होगा। अरे अब तो मेरी जिंदगी का कोई भी कोना खाली नहीं रहा। आपका साथ पाकर मुझे भी दुनिया की सारी खुशी मिल गई। बस अब तो एक ही चाहत है कि मैं आपको इतना प्यार दूं कि आपकी होठों की हंसी कभी धूमिल ना लगे और आपकी आंखों की खुशी कभी आंसुओं से गीली ना हो। आपकी हर ख्वाहिश आपके दामन में हो। शायद ये मेरी किस्मत है और माता रानी का आशीर्वाद है जो आपका प्यार मुझे मिला। बस माँ पूर्णा देवी से यही प्रार्थना है कि मेरी सारी खुशियाँ आपको मिल जाए और आपके सारे गम मुझे। नहीं नंदनी, अब तुम मेरी जीवन संगनी हो। अब तो मेरा जीवन तभी पूरा होगा जब तुम्हारा हर गम हर दुख मेरा होगा।
प्यार मिला, संसार मिला, दी है माता ने मुझको सौगात प्यारी प्यारी। तेरा प्यार मिला, संसार मिला, दी है माता ने मुझको सौगात प्यारी प्यारी। तेरा प्यार मिला, विराजत टीको मृद मद को, ओ मैया टीको मृद मद को, उज्ज्वल से दो नैना चंद्र वदननी को, ओम जय अम्बे गौरी, ओ मैया जय अम्बे गौरी। इस घर में कोई चैन से सोने भी नहीं देता। चाहे लोग चैन से सोने भी नहीं देते। माजी, माजी चरणा मत लीजिए। ये सब फालतू की चीजें बंद करो, समझ में आया? सुबह सुबह सिर फट रहा है मेरा। आई वॉन्ट कॉफी राइट नाउ। माजी, सुबह का आहार स्नान के बाद लेना चाहिए, पहले स्नान तो कर लीजिए। व्हाट व्हाट शुड आई टेक और नॉट, दिस इज माय लुकआउट, ओके? डोंट टीच मी। Clean all this thing. और मोहन, कॉफी लेकर आओ। हेलो मिस्टर शर्मा,
हेलो, आइए बैठिए। आई एम सॉरी मिस्टर श्याम, लेकिन पिताजी का इतना प्रेशर था कि मुझे अपना डिसीजन चेंज करना पड़ा। बट इट्स नॉट फेयर आलोक, मेरी भी अपनी एक रिपोर्टेशन है, अच्छा नहीं लगा मुझे। आई नो, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी मिस्टर श्याम। भाभी जी, जो कुछ भी हुआ मुझे भी अफसोस है, घर पे टेंशन क्रिएट हो गया था और अमन भी उस लड़की को चाहता है। लेकिन आपको हम सब से एक बार तो आपको पूछ लेना चाहिए था। जी, उसके लिए मैं आप दोनों से माफी चाहता हूं। ओके, बट आज के बाद हम लोग कोई भी प्रोजेक्ट साथ में नहीं करेंगे, सॉरी। व्हाई मिस्टर श्याम? नो क्वेश्चन प्लीज। Excuse me. अच्छा हुआ आपने जो भी फैसला किया ठीक किया, कोई जरूरत नहीं इनके साथ बिजनेस करने की। प्रणाम पंडित जी। आयुष्मान भव जी। हाँ। जीते रहिए। आप जैसे देवता के चरण मेरे घर पे पड़े, मैं तो धन्य हो गया। नंदिनी, अमन, जल्दी आओ। पंडित जी। प्रणाम पंडित जी। खुश रहो, खुश रहो। प्रणाम पंडित जी। अरे जीती रहो, सदा सुहागन रहो। नंदिनी बेटा। जी दादाजी। पानी ले आओ चरण धोने के लिए। जी अभी लेकर आई। आप हमेशा ही कहते थे कि कभी मिलने आइए, दिल्ली आया था सोचा आपसे मिलता चलूं। बहुत अच्छा किए। और सब कुशल है? जी अच्छा है, सदैव कुशल रहिए। सौभाग्यशाली रहो, दोनों खुश रहो। बेटा देखो हमारे घर में कौन आए हैं। पंडित जी। बेटा बैठो ना। मैं भी आता हूँ। ऑफिस से आया है। ऑफिस से आए नहीं कि इनके और ड्रामे शुरू। पंडित पुजारी पता नहीं क्या क्या देखने को मिलेगा, और तंग आ चुकी हूँ मैं इन सब चीजों से। माँ जी, ये गुरु जी का चरणामृत है। कैसा चरणामृत? कहीं ये पानी वही तो नहीं जिससे तुम उसके पैर धो रही थी? जी जी माँ जी, ये वही जल है। पागल हो गई हो तुम? मैं ये पानी पीऊंगी? शीला ये पानी पिएगी, देख रहे हो? माँ जी ऐसा नहीं कहते। तो फिर कैसे कहते? अब तुम मुझे सिखाओगी कि मुझे क्या कहना है और क्या नहीं? चली जाओ यहाँ से। माँ जी। Shut up and go! देख रहे हो तुम ये लोग क्या क्या कर रहे हैं और क्या नहीं? पता नहीं और क्या करना देखना है। अरे धीरे बोलो, वहाँ कौन कौन बैठा है पता है तुम्हें? मुझे क्या, सुनते हैं तो सुनने दो। पंडित जी। जी आप हमारे घर आए, हमें बहुत अच्छा लगा। माता के भंडारे के लिए ये छोटी सी भेंट स्वीकार कीजिए। नरेंद्र बाबू, अब तो अमन की दादी को स्वर्ग सिधारे काफी दिन हो गए हैं, और अब तो माता रानी ने आलोक को भी सब कुछ दे दिया है। अब तो मैया की मन्नत पूरी कीजिए। जी पंडित जी, इस बार सब परिवार सहित आऊंगा मेले में और माता जी की सब मन्नत पूरी करूंगा। अच्छा मैं चलता हूँ। प्रणाम पंडित जी।
प्रणाम गुरुजी। जैसे इनके बाप का माल है, बस लुटाने चले। एक एक को देख लूंगी मैं। साड़ी किसने दी तुझे? बहू रानी ने दी मैडम। बहू रानी ने? ठीक है जा। क्या किया? एक तो मेरी इतनी कीमती साड़ी तूने इसे बिना पूछे दे दी, और पता है इसने क्या किया? मेरी महंगी शराब की बोतल तोड़ दी। जा निकल यहाँ से। तुम सब मुझे बर्बाद करने के लिए यहाँ आए हो। मेरा पैसा कोई फालतू नहीं है जो कोई भी किसी को देगा। संभालो बहू अपने आप को। आज कुछ नहीं संभालूंगी मैं। अगर तुम सब लोगों को यही करना है तो जाओ। माँ जी। माँ। जाओ निकलो यहाँ से। माँ शांत हो जाओ। माँ माँ संभालो अपने आप को। अमन आज मैं किसी की नहीं सुनूंगी। माँ जी निकलो। माँ जी। शीला जाओ। क्या कर रही हो तुम? क्या तमाशा लगा रखा है? तमाशा? तमाशा मैंने लगा के रखा है या तुमने? क्या देख कर तुम्हारे बाप ने उसे 400,000 रुपए दिए थे उस ब्लडी पुजारी को? मेरा पैसा फालतू नहीं है, ये घर मेरा भी है। मेरा भी है ये घर। 50% के पार्टनर हूँ मैं। आज मैं इन सब का ड्रामा खत्म कर दूंगी। पूजा आरती सब खत्म कर दूंगी। माँ जी सब माँ जी नहीं, माँ जी छोड़ दीजिए, माँ जी ऐसा नहीं कीजिए। ये क्या हो रहा है? माँ जी नहीं, माँ जी नहीं, माँ जी नहीं, माँ जी। आज मैं सबको खत्म कर दूंगी। अमन माँ जी ने मेरी माँ पूर्णागिरी को फेंक दिया। मेरी माँ की फोटो तोड़ दी। चलेगी मेरी माँ को चोट लग गई। मेरी माँ को चोट लग गई। रख दो। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। उस प्लॉट पे क्या हुआ? कोर्ट ने उस प्लॉट पे स्टे लगा दिया है। ये देखिए सर। ये कैसे हुआ? सर वो जमीन मंदिर की है। ठीक है तुम जाओ। ओके सर। आलोक आलोक शिवजीत एंड सन्स का चेक बाउंस हो गया। चेक बाउंस हो गया? हेलो। हाँ मिश्रा जी। सर हमें 5 करोड़ का शेयर मार्केट में लॉस हो गया है। क्या 5 करोड़? क्या हुआ? शेयर मार्केट में 5 करोड़ का नुकसान हो गया हमारा। माय गॉड। हेलो व्हाट? आलोक मेहता ग्रुप ऑफ कंपनीज का चेक भी बाउंस हो गया। ये कितने का था? 2.5।
करते कर ले तू अपने हिस्से किने कियो वक्त के रहते कर ले बीपी और ओवर टेंशन की वजह से इनको पैरालिसिस का अटैक आ गया है। क्या? कोशिश कीजिए इनको कोई मेंटल स्ट्रेस ना पड़े। मैं कुछ दवाइयां लिख देता हूं, उसे समय समय पर देते रहिए, इनको आराम मिलेगा। पहले से इनकी हालत बेहतर है, लेकिन कभी कभी दवा के साथ दुआ की भी जरूरत पड़ती है। What? मैं चाहता हूं किसी अच्छे ज्योतिष को देखकर एक बार इनकी कुंडली दिखा दीजिए। What? आप डॉक्टर होकर इन सब बातों पर विश्वास करते? शर्म आनी चाहिए आपको। डॉक्टर भगवान नहीं होते, इसलिए मैं इन सब बातों में विश्वास रखता हूँ। मैं आलोक का इलाज यहाँ के टॉप न्यूरोलॉजिस्ट से करवाऊंगी, आप जा सकते हैं। जैसी आपकी मर्जी। डॉक्टर कैसी तबीयत है इनकी? दवा इंजेक्शन दे दिया है, 24 घंटे के बाद ही कुछ कह सकते हैं। माँ, दादाजी, आप लोग घर जाइए, मैं पापा के साथ रुकता हूँ। मैं सब संभाल लूंगा माँ।
माजी, क्या है? माजी, मेरे पास कुछ गहने पड़े हुए हैं, इनको बेचकर बाबूजी का इलाज करवा लीजिए। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी इस भीख से मैं आलोक का इलाज करवाऊंगी? जाओ यहाँ से। माजी, माजी मेरा जो कुछ भी है वो आप ही का तो है। तुम्हें एक बार में बात समझ में नहीं आती है क्या? जाओ यहाँ से, मैं ऑलरेडी परेशान हूँ। माय गॉड, माजी प्लीज, माजी, माजी प्लीज रख लीजिए इसे। तुम सुनती क्यों नहीं हो? जाओ, मैं ऑलरेडी परेशान हूँ। माजी प्लीज, ये सब आप ही का तो है। से तो मैं आलोक का इलाज करवा ही लूंगी। डॉक्टर, मैडम, इनका एक साइड का पूरा पैरालिसिस हुआ है, तो ठीक होने में टाइम लगेगा। थोड़ा धीरज रखिए। सिस्टर जो इंजेक्शन बोला है वो दे देना। माँ, मुझे यहाँ पे कोई इंप्रूवमेंट नहीं नजर आ रहा है। मुझे लगता है हमें पापा को किसी बड़े हॉस्पिटल में दिखाना चाहिए, है ना दादाजी? हाँ बिल्कुल ठीक, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। नारायण नारायण। प्रणाम। नारद, आप किस व्यथा से इतने व्यथित हैं? नारायण नारायण। माते, एक प्रश्न कई दिनों से बार बार मेरे मन में उठ रहा है माते। अच्छा, तो बताओ। माते, इस कलयुग में मनुष्य को स्वतः का कर्मफल मृत्यु लोक में भोग के जाना पड़ता है। यदि वो पाप करता है तो उसका दंड मिलता है, और यदि पुण्य करता है तो उसे क्षमा भी तो यही मिलनी चाहिए ना माते? नारायण नारायण। माते, इतनी कठिन परीक्षा से कहीं ऐसा ना हो जाए कि मनुष्य का देवताओं पर से विश्वास ही उठ जाए। नारायण नारायण। देवर्षि, आप तो मानवों की भाषा बोलने लगे। माते, रात्रि की अवधि होती है, विपत्ति में ये उतनी ही पहाड़ जैसी लगती है। हाँ। यही स्थिति मनुष्य की भी है। जिस दिन उनके पुण्य का पलड़ा भारी हो जाएगा, विपत्ति से छुटकारे का रास्ता खुद ब खुद प्रशस्त हो जाएगा। नारद। नारायण नारायण। परंतु माते, किसी एक की त्रुटि का दंड समस्त परिवार को क्यों? नारद, यज्ञ में विभिन्न प्रकार की आहुतियां जलकर भस्म होती हैं, तब यज्ञ फल की प्राप्ति होती है। समस्त परिवार को तो आहुतियां देनी पड़ेंगी। नारायण नारायण, आपकी लीला अपरंपार है माते। नारायण नारायण। शांबा, सब अच्छा होगा, जा। प्रणाम बाबा। प्रणाम बाबा। जय हो। जय महाकाली। बाबा प्रणाम। निशुंभ शुंभ नाशिनी, चंड मुंड विनाशिनी, ध्वजा विंद वासिनी, मातंगी पाठ। बोलो बालक, क्या कष्ट है? महाराज, हमारा सारा बिजनेस ठप हो गया है, हमारी आर्थिक स्थिति भी बहुत खराब हो गई है बाबा।
ऊपर से मेरे पापा को लकवा मार गया, वो चल फिर भी नहीं सकते, कुछ बोल भी नहीं पाते, कुछ उपाय बताइए महाराज। माँ काल भैरवी, इस बालक को देखो, माँ भैरवी विंध्यवासिनी बालक, अफसोस सारी बर्बादी का कारण तेरी माँ है और सब उसी की वजह से बर्बाद हो रहा है, लेकिन तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, सब अच्छा होगा और बहुत जल्द अच्छा होगा। माँ काली भैरवी आशीर्वाद दे से बालक, ये ले अपने पास रखना, तुम्हारी विजय होगी, कल्याण होगा, जा, अब किसी से डरने की जरूरत नहीं। प्रणाम महाराज। खुश रहे सदा, तेरा कल्याण होगा। मां मां, जब एक बहू ससुराल आती है तो अपने ससुराल में सुख खुशियां और समृद्धि लाती है, लेकिन आपकी अभागन बेटी जब से अपने ससुराल आई है दुखों का भंडार लाई है। माँ, अगर आपकी बेटी ने सच्चे मन से आपकी पूजा की होगी तो उसके ससुराल से ये दुख दूर कर दो माँ, मेरे परिवार के सब कष्ट दूर करो माँ। जय माँ पूर्णागिरी, जय माँ। बाबूजी आरती ले लीजिए, माता रानी सब ठीक कर देंगी। बाबूजी, दादाजी, माजी, अमन, देखिए बाबूजी को क्या हो गया। पापा, हेलो, क्या हुआ बेटा? पापा, क्या हुआ पापा? हाँ, यहाँ से। माजी, क्या किया तुमने इनको? हाँ माजी, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बाबूजी को बस आरती दिखाई। कितनी बार कहा इनसे दूर रहा कर, समझ में नहीं आता तुझे? माजी, ये लगा दूंगी, बाबूजी ठीक हो जाएंगे। अपना ये पूजा पाठ तंत्र मंत्र, जब से इस घर में तेरी परछाई पड़ी है हम लोग बर्बाद हो गए। माजी, मैं आपकी बहू हूँ। बहू नहीं, डायन है तू, डायन। जादू करने कही की? नहीं माजी, निकल यहाँ से, नहीं चाहिए ऐसी बहू। ये क्या बोल रही हो, वो तुम्हारी बहू है। सब चुप रहो, जब से तुम लोग आए हो मेरी नाक में दम करके रख दिया है, निकल जाओ, मुझे कोई नहीं चाहिए इस घर में। माजी आलोक, क्या मैं जादूगरनी हूँ? क्या मैं डायन हूँ? नहीं, चुप हो जाओ नंदनी, हम जानते हैं तुम क्या हो, चुप हो जाओ। तुम्हारा मेलो ड्रामा खत्म हो गया तो जाओ यहाँ से। I don't want anyone at my home. Go, बाहर निकलो। मैं अभी डॉक्टर को फोन करती हूँ। बॉडी को भी अपने साथ ले जाओ। बहू, ये तुम क्या कह रही हो? वो तुम्हारे पति हैं और तुम उन्हें डेड बॉडी बोल रही हो? शर्म आनी चाहिए तुमको। अच्छा, पहले ये मेरा पति था लेकिन अब नहीं। लेकिन अब मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ जिंदा लाश है और कुछ नहीं। मैं अपनी अच्छी खासी जिंदगी क्यों बर्बाद करूं? ना ही ये कुछ कमाने के लायक है, ना ही किसी और काम के। और हाँ, मैं उन औरतों में से नहीं जो किसी और की बदकिस्मती अपने सर पर लेके घूमे। माँ, ये क्या बोल रही हो? ये मेरे पापा हैं। तुम्हारे पापा हैं, तुम ढो, मैं क्यों अपनी अच्छी खासी जिंदगी बर्बाद करूं? और हाँ,
तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ दो ऑप्शन है, या तो इसे लेकर अपने घर जाओ या फिर इसे पॉइजन देकर मार दो। कभी सूरत ही नहीं देखी, जब से जाना आपको ही मां माना, हमेशा सबके सुखों की कामना करती रही। आपको तो लोग संकट हरनी कहते हैं, आप दुनिया के संकट हरती हो, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों? मेरा संकट नहीं हरेंगी माँ। आज आपकी ये बेटी प्रतिज्ञा लेती है, अगर आपने मेरे परिवार को उनकी खुशियां वापस नहीं की, संकट से नहीं उबारा, सुन लो माँ, तो आपके इसी चौखट पे अन्न जल त्याग के अपनी जान दे दूंगी, जान दे दूंगी, जान दे दूंगी माँ, जान दे दूंगी, जान दे दूंगी, जान दे दूंगी माँ, जान दे दूंगी, जान दे दूंगी। शांत हो जा बेटी, शांत। ये माँ पूर्णागिरी है, ये सबकी इच्छा पूरी करती हैं, ये तुम्हारी भी इच्छा पूरी करेंगी। कुछ दिनों की बात है, ये सब कष्ट दूर करेंगी। नंदनी, ऐसे कैसे चलेगा? 5 दिनों से तुमने ना कुछ खाया है ना कुछ पिया है, थोड़ा सा पानी पी लो। नहीं, जब तक मेरी प्रतिज्ञा पूरी नहीं होती तब तक ना कुछ खाऊंगी ना कुछ पीऊंगी।
जिद मत करो नंदनी, थोड़ा सा पानी पी लो। आप जिद मत कीजिए, ये मेरी और मेरी माँ की लड़ाई है। लड़ाई? हाँ। कैसी लड़ाई? और ये मेरी और मेरी माँ पूर्णा देवी की लड़ाई है। उन्हें उनकी बेटी की पुकार सुननी पड़ेगी, उन्हें हमारे कष्ट को दूर करना पड़ेगा। तब तक मैं कुछ नहीं खाऊंगी पीऊंगी, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। तुम तो जानती हो ना, मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकता। पानी पी लो नंदनी। नहीं, आप मुझसे जिद मत करिए। मैं जब तक मेरी प्रतिज्ञा पूरी नहीं होती, मैं कुछ नहीं खाऊंगी पीऊंगी। अरे राम भजो। अरे बेटी नंदिनी, देखो तुम्हारी बुआ आ गई है। नंदिनी, नंदिनी, अरे उठो तो बिटिया। जैसे ही मुझे पता चला कि नंदिनी बिटिया आई है, बुआ, मैं तो दौड़ी दौड़ी आ गई। बुआ जी। अरे बेटी, लेकिन तुम ऐसे ऐसे क्यों पड़ी हो? हाँ, तुम्हारी बुआ आ गई ना। अब सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, अब चिंता की कोई बात नहीं है। अरे बिटिया, दामाद जी कहाँ हैं? बुआ जी वो यहीं कहीं होंगे। अच्छा अच्छा, दामाद जी, दामाद जी, अरे बाहर आइए, देखिए हम आपसे मिलने आए हैं। ठीक है, मैं कॉल करता हूँ। हमारी बुआ जी हैं। अरे बिटिया, तुमने इन्हें बताया नहीं कि मैं तुम्हारी जैसी बुआ हूँ वैसे इनकी भी हूँ, तुम्हारे ससुर की बुआ हूँ, इनके बाप की भी बुआ हूँ। हाँ, मैं तो मोहल्ले भर की बुआ हूँ। नमस्ते बुआ जी। खुश रहो, खुश रहो। अरे ये क्या, तुम्हारा चेहरा मुरझाया हुआ क्यों है? और हमारी बिटिया परेशान दिखाई दे रही है, बात क्या है? अब क्या बताऊं बुआ जी, हम बहुत संकट से गुजर रहे हैं। अब माता रानी ही जाने कि क्या होगा। बेटा, माता रानी क्या जानेगी, सब मुझे पता है, सब मैं जानती हूँ। नमस्कार। नमस्ते। क्या कह रही थी आप? मुझे पता था आप लोग मन्नत भूल गए हैं। मन्नत? मन्नत? कैसी मन्नत बुआ जी? माँ पूर्णागिरी को दादी जी ने उन्हें सोने का छत्तर चढ़ाने का वादा किया था, और जब तक वो मन्नत पूरी नहीं होगी, इस घर से संकट दूर नहीं होगा। मैं तो बस आप लोगों को याद दिलाने आई थी। मुझे पता था कि आप लोग सब भूल गए हैं। बुआ जी, आपने सच में हमारे परिवार पर बहुत बड़ा एहसान किया है। हम माता जी की मन्नत जरूर पूरी करेंगे। हाँ, जरूर पूरी होगी, और हमारी बिटिया की सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बुआ जी, मन्नत याद दिलाने के लिए। धीरू भाई, नमस्कार। नमस्कार नरेंद्र भाई, बैठिए। कहिए कैसे आना हुआ? क्या बताऊं, बहुत मुश्किल में हूं। एक बहुत जरूरी काम से आया हूं तुम्हारे पास। मुझे 10 लाख रुपए की सख्त जरूरत है, और उसके लिए मैं अपना घर भी गिरवी रखने को तैयार हूं। अरे नरेंद्र भाई, आपको पता है बंदी के कारण पूरे कंस्ट्रक्शन की वाट लग गई है। सॉरी, मुझसे नहीं हो पाएगा। नहीं होगा? सॉरी नरेंद्र भाई। अच्छा, तो चलता हूं मैं। नमस्ते। हाँ बोलो।
नहीं नहीं, कुछ नहीं लूंगा, कुछ नहीं। मैं बड़ी मुश्किल में हूं, बहुत जरूरी काम से आया हूं तुम्हारे पास। 10 लाख रुपए की मुझे सख्त जरूरत है और उसके लिए मैं घर को गिरवी रख सकता हूं। नरेंद्र भाई, मेरे तो कई लाख रुपए शेयर मार्केट में डूब चुके हैं और इन दिनों बिजनेस की हालत तो आप जानते ही हैं, इसलिए मुझसे नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। अच्छा, नमस्ते। नारद, मैं आपकी व्यथा भली भांति समझती हूँ। माते, आपकी सुपुत्री अपना देह त्याग देगी, अब तो अपनी ममता की छांव उसे दीजिए। नारद, जब आप इतने व्यथित हैं, तो मेरी व्यथा कैसी होगी? मैं तो उसकी माँ हूँ। अब समय आ गया है, प्रस्थान कीजिए नारद। जो आज्ञा माते। नारायण नारायण। दादाजी, कुछ हुआ? कुछ तो बोलिए दादाजी। नहीं बेटा, वो लोग जो कभी हमारी एक आवाज पर लाखों लेके खड़े हो जाते थे, आज सबने हाथ खड़े कर दिए। अब तो इस घर को बेचने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। लेकिन दादाजी, इतनी जल्दी तो कोई खरीदार भी नहीं मिलेगा, और वैसे भी आज अष्टमी हो गई है। जानता हूं। नमस्ते। नरेंद्र जी घर पर है क्या? जी हाँ। जी आइए। हाँ आइए। नरेंद्र जी आप हैं? जी मैं हूँ। नमस्कार। मैं सेठ धनसुख। आइए आइए बैठिए। कहिए कैसे आना हुआ? मैंने सुना है आप ही अपना घर बेचना चाहते हैं। हाँ हाँ जरूर, मैं इस घर को खरीदने की इच्छा रखता हूँ। आप तो हमारे लिए भगवान बनकर आए हैं, मैं किस तरह से आपका शुक्रिया अदा करूँ? इसमें शुक्रिया की क्या बात है? आप ये घर बेच रहे हैं तो उसके एवज में मैं आपको पैसे भी दे रहा हूँ। ये तो आपका एहसान है जो आप ये घर मुझे बेच रहे हैं। पर मेरी एक छोटी सी शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? इस घर का सौदा मैं नवरात्र के बाद ही करूंगा। ये मैं आपके लिए थोड़ा सा एडवांस साथ में लाया हूँ, आप इसे स्वीकार कीजिए। इसमें लगभग 20 लाख रुपए हैं, लीजिए। अब मैं चलता हूँ। जी। नमस्ते। नमस्ते, नमस्ते बेटा। नमस्ते। अच्छा, हमारे कुल की आन बान शान तुम हो माँ जग
दयामयी करुणामयी दयामयी आप हो अम्बे, आप हो अम्बे। हम लाए सोने का छत्तर, हम लाए सोने का छत्तर। आस हमारी पूरी करी तेरी लीला अपरंपार, हे माता पूर्णागिरी तेरी लीला अपरंपार, हे माता पूर्णागिरी तेरी लीला अपरंपार, हे माता पूर्णागिरी तेरी लीला अपरंपार। खोटा हूँ तू है खरी तेरी लीला अपरंपार, हे माता पूर्णागिरी तेरी लीला अपरंपार, हे माता पूर्णागिरी तेरी लीला अपरंपार। हमारे कुल की आन बान शान तुम हो माँ जगदम्बे, जगदम्बे क्षमामयी करुणामयी दयामयी आप हो अम्बे, आप हो अम्बे। हम लाए सोने का छत्तर, हम लाए सोने का छत्तर। आस हमारी पूरी करी तेरी लीला अपरंपार, हे माता पूर्णागिरी तेरी लीला अपरंपार। पंडित जी, हम माँ पूर्णागिरी को चढ़ाने के लिए सोने का छत्र लाए हैं, इसे चढ़ा दीजिए। लाओ तो। बेटा इन्हें क्या हुआ है? कुछ समय पहले इन्हें लपका मार गया पंडित जी, हम बहुत ही संकट से गुजर रहे हैं, हम पे कृपा करें। माँ पूर्णागिरी का नाम लेकर ये जल इन्हें पिला दो तो सब ठीक हो जाएगा। Oh!
पापा। पापा माता पूर्णागिरी की जय। 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 माता पूर्णा देवी की जय। माता पूर्णागिरी की जय। बहुई माता की कृपा हो गई। जय माता दी। मैं ठीक हो गया। जय माता दी। माता ने सब सुन लिया। जय हो माँ पूर्णागिरी की। जय हो मैया। जय हो। जय माता दी। जय माता दी। जय माता पूर्णागिरी। जय माता दी। मैं ठीक हो गया। मैं ठीक हो गया माता। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। पुजारी जी मंदिर के प्रांगण में एक औरत पड़ी है, लगता है उसके प्राण निकलने वाले हैं। ये चरणामृत आप जाके उस महिला को पिला दीजिए। जी पंडित जी। माने चाहा तो उसके प्राण अवश्य ही बच जाएंगे। जी पंडित जी। जय माँ पूर्णागिरी। आइए आइए देखिए ये औरत है। माँ। माँ जी। माँ क्या हो गया? माँ माँ उठिए। माँ जी। माँ जल पी लो। माँ माँ पी लो। माँ 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 जी। माँ उठो। माँ माँ जी उठो। माँ क्या हुआ? क्या हुआ माँ? अमन। हाँ माँ। नंदिनी। हाँ माँ जी। हाँ माँ। माँ जी मत रोइए। माँ पूर्णागिरी ने सब ठीक कर दिया। हाँ माँ। देखिए देखिए बाबूजी का हाथ भी ठीक हो गया। सब कुछ ठीक हो गया है माँ जी। माता क्षमा कर दीजिए। माता मेरी अज्ञानता को माफ कर दीजिए। माँ अपनी धन दौलत और संपत्ति के अहंकार में अंधी हो गई थी मैं। मैंने सबको बहुत रुलाया है। बाबूजी मुझे माफ कर दीजिए। बेटी माँ ने तुम्हें माफ कर दिया। हमने भी तुझे माफ कर दिया। शीला मुझे माफ कर देना। शीला ये रोने का दिन नहीं है। रोने के दिन चले गए। देखो माँ पूर्णागिरी ने हमारे परिवार पे कृपा की है। देखो देखो मैं ठीक हो गया। उनकी कृपा से मैं ठीक हो गया। हमारे परिवार पे कृपा हो गई है। अब हम खुशी खुशी रहेंगे। माता पूर्णागिरी की जय। 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 माता पूर्णा देवी की जय। माता पूर्णागिरी की माता पूर्णागिरी जय। माता पूर्णागिरी जय। बोलो सच्चे दरबार की जय। शेरावाली मैया की जय। जय माँ पूर्णागिरी। जय माँ पूर्णागिरी। जय माँ पूर्णागिरी। बेटा आज आपकी माताजी की आत्मा को शांति मिल गई होगी। माताजी के दरबार में जो सोने का छत्तर चढ़ाने का उनका सपना था जी, वो बहुत अच्छी तरह से पूरा हो गया। अरे अरे ये क्या घोर अंधेर? तुम सब इकट्ठे यहाँ बैठे हो और अपनी बुआ को भूल गए? नमस्ते बुआ जी। नमस्ते माँ। ये नंदिनी की बुआ जी हैं। नमस्ते। कैसी हो बिटिया? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अरे मैं सिर्फ इनकी बुआ नहीं पूरे गांव भर की बुआ हूँ। समझ में आई बात? हाँ? अरे हमारी बिटिया नंदिनी कहाँ है? वो कहीं दिखाई नहीं दे रही है और सब लोग यहीं बैठे हैं। नंदिनी नंदिनी देखो तुम्हारी बुआ आई है। अरे बेटी नंदिनी बाहर आ जाओ भाई। अरे बुआ प्रणाम। बुआ जी जीती रहो, खुश रहो बेटी। बुआ जी आपका दिल से धन्यवाद। अगर आपने हमें मन्नत के बारे में नहीं बताया होता तो हमारे परिवार के कष्ट ना दूर होते। मन्नत के बारे में? हाँ बुआ। अरे बिटिया मैंने तो कोई मन्नत नहीं बताई। मैं तो पिछले 7 दिन से बनारस में थी, आज ही रात को आई हूँ मैं।
नहीं थी तो फिर वो कौन थी? मुझे क्या पता बिटिया, मुझे ये सब कुछ भी नहीं पता है। अच्छा बिटिया, तुम खुश रहो। हाँ जी बुआ। मुझे और भी लोगों से मिलना है, सबसे बात करनी है, सब लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। हाँ खुश रहो। वो बुआ जी नहीं थी तो कौन थी? कोई आश्चर्य की बात नहीं है, वैसा आप समझ गया हूं। ये सब माँ पूर्णागिरी की कृपा है। पूर्णागिरी मैया की जय। पूर्णागिरी मैया की जय। अपने हिस्से की नेकियां वक्त के रहते कर ले।